वेलकम टू ऑल. माई सेल्फ शाह अनिता उमेश कुमार फ्रॉम परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सारसा. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 समझदार नन्हे टॉपिक्स कवर्ड पार्ट समझ. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू लर्न अवर चैप्टर 3 समझदार नन्हे. पहले दो चैप्टर हमने पढ़े. पहला हमारा चैप्टर था दयालु शिकारी, दूसरा हमारा चैप्टर था जो एक काव्य था जिसका नाम था एक जगत एक लो. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दोज टू चैप्टर. आज मैं आपको हमारा तीसरा चैप्टर समझदार नन्हे जो कि एक कहानी है इसके बारे में बताऊंगी. पहले मैं इस जो समझदार नन्हे कहानी है इसके बारे में समझाऊंगी आपको. जो समझदार नन्हे इस जो कहानी है इसका कहानी का मेन कैरेक्टर है इसके बारे में बताऊंगी और इसके बाद में हम विषय में प्रवेश करेंगे. सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता. अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले हमेशा बुरा ही काम करते हैं. जो उनका भला करे उनके साथ भी वह बुरा ही व्यवहार करते हैं. हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. यह जो चैप्टर है हमारा समझदार नन्ही, इस चैप्टर में नन्ही यानी एक बतख है और दूसरा जो कैरेक्टर है वह एक बिच्छू. इस चैप्टर में नन्ही का स्वभाव अच्छा बताया है कि हम हर हमें उसका जो इच्छा होती है कि मुसीबत में या संकट में फंसे हुए को वह मदद करना चाहती है, और उसके विपरीत जो बिच्छू होता है उसका स्वभाव हमेशा डंक मारना है होता है. उसका जो बुरा स्वभाव है वह बुरा स्वभाव वह छोड़ नहीं सकता. लेकिन फिर भी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी बुरे स्वभाव वाले भी अर्थात बुरे कार्य करने वाले भी अच्छे स्वभाव वालों को देखकर वह भी अपनी गंदी आदत छोड़ सकते हैं. यही इस कहानी का मुख्य मोरल है और यही इस कहानी का मुख्य सीख है. यही संदेश है. यह कहानी हमें यही संदेश देती है. हर हमें समय हमारे जीवन में अच्छे स्वभाव रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमारा बुरे स्वभाव वाले को देखकर हमें भी हमारा स्वभाव बदलना चाहिए. हमें हमारा स्वभाव हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए. चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमें हमारा स्वभाव बदलना नहीं चाहिए. हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बुरे स्वभाव वाले हमारा स्वभाव और हमारे अच्छे कार्य देखकर वह अपना स्वभाव बदल दे, यह भावना हमें रखनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह कहानी इंसर्ट पहले बता देती हूँ और बाद में हम कहानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में एक समझदार नन्ही है. नन्ही यानी एक छोटी सी बतख है. वह एक ताला नदी में रहती थी, और नदी में एक दिन उसने देखा कि एक बिच्छू है जो दलदल में फंसा हुआ था. दलदल यानी ऐसी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन दलदल में फंसा हुआ था. तो नन्ने को उस पर दया आई. नन्ने ने देखा, नन्ने तट पर आई, नदी के तट पर, तट यानी किनारा, किनारे पर आई. उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है, तो उसने उसे वहाँ से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. सूखा स्थान यानी सूखी जमीन, वह अच्छी जमीन उस वहाँ उसने उसको रख दिया. और फिर रख दिया. फिर बिच्छू ने अभी अपने स्वभाव के अनुसार, बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, तो बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है. उसने अपने स्वभाव का अनुसार नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प हुई, उसे पीड़ा हुई. कोई हम उसकी मदद करते हैं और वह हमें बुरा भला करे या हमारा बुरा करे तो हमें उसका दुख होता है. तो बिच्छू ने तो नन्ही को, बिचारी को डंक मार दिया था, तो नन्ही को पीड़ा हुई और वह पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा कि भाई बिच्छू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने लापरवाही से बोला. लापरवाही यानी किसी की चिंता नहीं, बेफिक्री जिसे कहते हैं.
उसने बोला कि क्या करूँ, डंक मारना स्वभाव है मेरा, स्वभाव यानी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, डंक मारना मेरा स्वभाव है। वो वहाँ से लापरवाही से वहाँ से चला गया। लेकिन फिर नन्ही अपनी माँ के पास नदी में गई तो माँ ने पूछा, बेटा नन्ही आज तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तो नन्ही ने उसे बताया कि माँ आज ऐसा हुआ, मैंने बिच्छू की जान बचाई, बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। माँ ने नन्ही से समझाया कि बेटा नन्ही, तुम जितनी बार बिच्छू की जान बचाती रहोगी वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा, यह उसका स्वभाव है, यह उसकी प्रकृति है। लेकिन नन्ही ने भी ठान ली थी, नन्ही ने भी निश्चय किया, नहीं माँ, मैं उसकी गंदी आदत जो है वह छुड़ा कर ही रहूँगी। अब दूसरी बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार बिच्छू एक पानी की धारा में जा गिरा। पानी की धारा यानी पानी का रेला। इस तरह वह उसके प्राण पुनः संकट में पड़ गए, यानी फिर से उसके प्राण, उसकी जीव आत्मा, उसका फिर से वह संकट में पड़ गया। वह पुकारने लगा, करुण आवाज में पुकारने लगा, नन्ही नन्ही नन्ही। उसकी करुण आवाज़ सुनकर सुनकर नन्ही फिर से वहाँ गई तो उसने देखा कि बिच्छू अब दूसरी बार पानी की धारा में जा गिरा है। उसने बिच्छू को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि मैं ये गंदी उसने अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ी होगी। तो फिर वह जैसे फिर बिच्छू उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। इस बार फिर से नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। दोबारा जीवनदान यानी दूसरी बार उसे बचाया। जीवनदान देना यानी जीवन बचाना, उसको मरने से बचा लेना। इस बार दूसरी बार नन्ही ने उसे बचा लिया। फिर भी बिच्छू उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे उसे डंक मारने के लिए बिच्छू आगे बढ़ा, नन्ही ने कहा कि नन्ही समझ गई, उसे इसका इरादा समझ गई कि ये मुझे डंक मारने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। नन्ही समझ गई और नन्ही ने कहा कि ठिठक क्यों गए भाई, ठिठक यानी रुक क्यों गए, डंक मारो। और इस बार बिच्छू को असली असलियत में उसे पछता हुआ अपने किए ऊपर, और वो खिसिया कर बोला, खिसिया कर यानी लज्जित होकर बोला कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी निर्दोष जीव को मैं डंक नहीं मारूंगा। इस बार नन्ही ने इस तरह उस गंदी आदत वाली बिच्छू को उसने अपनी आदतों से, अपनी मदद करने की आदत से, उसने उस गंदी आदत वाले बिच्छू की आदत अच्छी कर दी। उसने गंदी आदत वह छुड़वा कर रही और उस वह वापस अपनी माँ के पास चली गई। अपनी माँ को उसने सारी घटना बताई और जब माँ ने कहा कि बेटा नन्ही, अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों को अच्छी आदतों तरफ सच्ची राह दिखाते हैं, यह सुनकर नन्ही खुशी से थिरकने लगी, अर्थात प्रसन्न होकर, खुश होकर नाचने लगी। इस तरह समझदार नन्ही पाठ है और यह कहानी बहुत ही अच्छी है, जो हमें अच्छा शीर्षक भी देती है, अच्छा बोध भी देती है कि हमें किसी भी स्थिति में हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर स्टोरी समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बतख तट पर आई, तट यानी किनारा, वह नदी में से किनारे पर आई। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। मैंने दलदल यानी आपको बताया कि वह गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव अंदर घुसता चला जाए, ऐसी गीली जमीन, उसमें वह फंसा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, प्रार्थना यानी विनंती की कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को उस पर दया गई और उसने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने उसे उसकी जान बचाई, फिर भी बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी जो उसकी बुरी आदत थी, बराबर, शरारत, उसे शरारत सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया।
नन्ही को पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। उसने बिच्छू से पूछा कि भाई बिच्छू, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिल्कुल लापरवाही से, बेफिक्री से, अपने खराब आदत से वह बोला कि क्या करूँ, मेरी ये तो डंक मारना मेरा स्वभाव है। ऐसा कह कर वह वहाँ से चला गया। नन्ही बोली कि मैं तुम्हारी यह गंदी आदत छुड़ा कर ही तुम्हारी ये तुम ये तो तुम अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे अच्छी सीख दी कि भाई तुम अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई किसी टाइम किसी समय तुम मुसीबत में फंस जाओगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात अनसुनी, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, अनसुनी करना एक मुहावरा है, ध्यान न देना। उसकी वह बात उसने सुनी नहीं और वहाँ से आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद बिच्छू आगे बढ़ गया। इसके बाद नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई तो माँ ने बताया कि बेटी नन्ही आज तुम्हें देर क्यों हो गई आने में? तो नन्ही ने बताया कि माँ क्या हुआ कि आज मैं एक बिच्छू था वो दल में फंस गया था तो मैंने उसकी जान बचाई। और माँ उसकी नन्ही की माँ बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, क्योंकि आज उसने एक अच्छा काम किया था इसलिए उसकी माँ प्रसन्न हुई। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने अपनी माँ से बताया कि माँ मैंने उसको बचाया लेकिन बदले में थैंक यू नहीं किया, उसने मेरा आभार प्रकट नहीं किया, उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे बदले में क्या किया, डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उससे चाहे कितनी बार बचाओगे वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ ने उसे बताते हुए क्या कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम होना यानी आदत का मजबूर होना। कई लोग ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट कि अपनी आदत जो है वो कभी भूल नहीं सकते, जो उनकी आदत है वो वही आदत रहती है। कितनी भी कोशिश करो, कोई अच्छा आदमी कितनी भी प्रयत्न करे उसे सुधारने के, लेकिन वो अपनी यह आदत बदल नहीं सकता, उसे आदत का गुलाम होना कहते हैं। तो माँ ने नन्ही को समझाते हुए बताया कि बेटा नन्ही वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है, वह तुम जितनी बार उसे बचाओते वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। लेकिन नन्ही ने भी ठान ली थी, वह बोली कि माँ मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब इस बात को कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। अब कुछ दिन बाद इस बात को कुछ दिन बीत गए और बिच्छू के प्राण यानी बिच्छू प्राण यानी आत्मा जीव, उसके प्राण पुनः यानी फिर से उसके प्राण संकट में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए। और इस बार उसके प्राण कैसे मुसीबत में पड़े, वह पानी की धारा में जा गिरा। पानी की धारा यानी पानी का बड़ा सा रेला, उसमें वह जा गिरा और फिर से वहाँ डूबने उतरने लगा, डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई, वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वह दूसरी बार जब पानी की धारा में जा गिरा, वह डूबने लगा तो उसको नन्ही की याद आई, वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही की याद आई, वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसे करुण पुकार तो सुन ली और उसकी आवाज़ सुनकर वह वहाँ से वहाँ पहुँच भी गई, लेकिन सहसा सहसा यानी अचानक उसे याद आया और उसने विचार आया कि मैं अब इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। फिर बिच्छू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। बिच्छू उसके साथ गिड़गिड़ाना यानी अपनी बात मनाने का विनंती करना, अपनी बात मनाने का प्रयत्न करना। वह विनंती करने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। इस बार नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी विचार बदल गया और उसने सोचा कि शायद इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। और नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया।
नन्ही ने यह समझकर उसको जीवन दान दिया दोबारा। दोबारा जीवन देना यानी दूसरी बार उसे बचाया, जीवन दान देना यानी मरने से बचा लेना। उसने नन्ही ने उसे दूसरी बार मरने से बचाया यह सोचकर कि शायद बिच्छू ने उसकी गंदी आदत छोड़ दी होगी, लेकिन वह जीवन दान देने के बावजूद बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। उसका जो स्वभाव था गंदा, उस अनुसार वह भी नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, वह मुस्कुरा कर बोली। वह जैसे ही डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा यानी विचार, नन्ही समझ गई कि इसका विचार क्या है। वह बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठक जाना यानी रुक जाना, रुक क्यों गए, डंक मारो। तुम दूसरी बार भी मुझे डंक मारने के लिए आया ना, तो डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी लज्जित होना। वह दूसरी बार जब डंक मारने को गया, नन्ही ने उसे रोका तो वह लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला। खिसिया कर बोलना यानी लज्जित होकर बोलना। शर्म से वह बोला कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की। इस बार वह लज्जित होकर बोला कि बहन मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, विश्वासघात यानी धोखेबाजी की मैंने तुम्हारे साथ, फिर भी हर बार तुमने मेरी मदद की, ऐसा क्यों। नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई यानी किसी के साथ अच्छा करना, बराबर अच्छाई, वह मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हारे लिए तुमसे बदलाने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा स्वभाव बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने बताया कि भाई भलाई करना मेरा स्वभाव है, बुराई करना तुम्हारा स्वभाव है। मैं मुसीबत में पड़ों को बार बार बचाती रहूंगी। डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, तुम डंक मारते रहो, देखती हूँ देख कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। वह बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को पछतावा हुआ, शर्मिंदा हुआ अपने आप पर, वह बुरे काम का दुख होना, बताऊँ या ना, अपने बुरे काम पर वह दुखी हुआ और उसने कहा कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यानी मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष यानी बेकसूर, जिसी ने कोई दोष नहीं किया है वह निर्दोष बेकसूर, ऐसे लोगों को मैं कभी डंक नहीं मारूंगा। इस ऐसा सुनकर नन्ही बहुत खुश हो गई। वह खुश होकर नदी में अपनी माँ के पास गई। माँ ने आज फिर नन्ही को देर से आते हुए देखा तो बोला कि बेटी नन्ही आज देर कर दी। तो नन्ही ने कहा, पूरी घटना बता दी। वह प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को अच्छी राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। वह नन्ही खुश हो गई। जब बिच्छू ने यह फैसला किया, बिच्छू ने निश्चय किया, वह उसने यह प्रॉमिस किया कि आज से बाद वचन दिया कि मैं आज के बाद किसी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा। यह बात सुनकर नन्ही बहुत प्रसन्न हुई। वह नदी में चली गई। आज फिर देर हो गई तो माँ ने नन्ही से पूछा कि बेटा आज फिर देर क्यों हो गई। तो नन्ही ने फिर से अपनी माँ को पूरी पूरी घटना बताई। तो माँ भी बहुत प्रसन्न हुई और माँ ने कहा कि प्यारी समझदारी नन्ही, भले लोग ऐसे ही होते हैं, जो भले लोग होते हैं ना, वो बार बार अपनी भलाई से बुरे लोगों को बुराई को दूर करते हैं। तुमने भी आज बहुत अच्छा काम किया है, तुमने आज उसके अच्छी राह दिखाई है। अच्छी राह दिखाना, राह यानी रास्ता, उसको तुमने आज अच्छी राह दिखाई है, अच्छा रास्ता दिखाया है। यह सुनकर माँ की यह बात सुनकर नन्ही खुशी से थिरकने लगी। थिरकने प्रसन्न होकर खुश होकर वह थिरकना यानी नाचने लगी। तो बच्चों यह कहानी यही हमें सीख देती है कि जो हमारा बुरे स्वभाव वाले लोग बुरा ही काम करते हैं और जो भला करते हैं उनके साथ भी वह बुरा व्यवहार करते हैं। तो हमें किसी भी स्थिति में हमें किसी का बुरा नहीं करना
चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति में हमें हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य मोरल है, यह कहानी हमें यही सीख देती है। इसके शब्दार्थ है तट यानी किनारा, स्वभाव प्रकृति, सहसा यानी एकाएक, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर या दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी घिनी जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव कसता चला जाए। मुहावरे है अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना अर्थात आदत से मजबूर होना। जो अपनी आदत में गुलाम हो जाता है, आदत से मजबूर हो जाता है, आदत में फंस जाता है। वचन देना यानी वादा करना, प्रॉमिस देना जिसे हम कह सकते हैं। मन डोलना यानी विचार बदलना, जीवन दान देना नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, और थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। अंत में जब नन्हे ने बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाई, वह उसने अपनी माँ से कहा, तो माँ ने भी कहा कि बेटी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यह अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे ही बुरे लोगों को और हमें नई राह दिखा दे। यह सुनकर नन्ही थिरकने लगी, खुशी से नाचने लगी। इस तरह यह कहानी हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती है। बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, यही आशा रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच।